अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 के एक टॉपिक पे है, विच इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो एक बहुत ही मेन ऑर्गेनेल है, विच इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ न्यूक्लियोलस। अब जो सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है न्यूक्लियस की डिस्कवरी का, यानी कि न्यूक्लियस डिस्कवर कब हुआ, किसने डिस्कवर किया, तो सबसे पहले पॉइंट हमारे पास आ जाता है डिस्कवरी का, यानी कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस वॉज रिपोर्टेड इन 1831 बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये चैप्टर की बिगिनिंग में भी एक टॉपिक है पूरा, उसमें भी बताया गया है कि जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। उसके बाद इस टॉपिक के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, मतलब ज़्यादा चांसेस नहीं है कि ये लॉन्ग के तौर पे आए। ज़्यादातर ये बोर्ड में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से ही पूछा जाता है। सबसे पहले ये जो डिस्कवरी के बारे में मैंने आपको पॉइंट बताया, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है पोजिशन। अब हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है एनिमल सेल और दूसरा होता है प्लांट सेल। तो सबसे पहले एनिमल सेल जो है हमारे पास, एनिमल सेल में ये कहाँ मौजूद होता है, एनिमल सेल्स में इट जनरली ऑक्यूपाइज द सेंट्रल स्पेस, यानी कि ये एनिमल सेल्स में सेंटर में मौजूद होता है, व्हाइल इन द केस ऑफ प्लांट सेल इट इज़ पुश टुवर्ड द पेरीफेरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। अब जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास वैक्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, जिसकी वजह से ये पेरीफेरी की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। अब उसके बाद न्यूक्लियस के हम नंबर की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ से न्यूक्लियस का नंबर स्टार्ट हो जाता है थर्ड लास्ट लाइन से, यानी कि न्यूक्लियस में भी इरेगुलर स्फेरिकल इन शेप। जनरली द सेल्स है वन न्यूक्लियस आर कॉल्ड मोनो न्यूक्लिएट, यानी कि वो सेल्स जिनके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है उनको हम मोनो न्यूक्लिएट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड द सेल्स विद द न्यूक्लियाई आर विद द टू न्यूक्लियाई आर बाई न्यूक्लिएट, फॉर एग्जाम्पल फंजाई में दो न्यूक्लियस होते हैं। विद मोर देन आर कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएट, फॉर एग्जाम्पल जॉइंट अमीबा न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे सेल्स जिनके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस होते हैं उनको हम मोनो न्यूक्लिएट कहते हैं, जिनके पास दो न्यूक्लियस होते हैं उनको बाई न्यूक्लिएट कहते हैं, और जिनके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं उनको मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे न्यूक्लियस की विजिबिलिटी के बारे में हमें बताया जाता है कि न्यूक्लियस इज विजिबल वेन द सेल इज नॉन डिवाइडिंग स्टेज, यानी कि जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है न्यूक्लियस सिर्फ तभी हमें विजिबल होगा, यानी कि हम न्यूक्लियस को सिर्फ तब देख सकते हैं जब हमारा सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है। इट कंटेन्स क्रोमेटिन नेटवर्क एंड सोलेबल सेप का न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, इट कंटेन्स क्रोमेटिन नेटवर्क एंड सोलेबल सेप। इन डिवाइडिंग सेल द न्यूक्लियस डिसअपीयर एंड द क्रोमेटिन मटीरियल इन इट इज रिप्लेस्ड बाय द क्रोमोसोम, यानी कि हमने शुरू में पढ़ा कि जो न्यूक्लियस जो है वो सेल में उसी वक्त विजिबल होता है जबकि वो नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है, लेकिन जब डिवाइडिंग स्टेज स्टार्ट हो जाती है तो क्रोमेटिन मटीरियल न्यूक्लियस को रिप्लेस कर देता है क्रोमोसोम्स के साथ। द हेरिडिटरी मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन इंक्लूडिंग एंजाइम फॉर्म द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस, यानी कि डीएनए प्रोटीन्स और जो इंक्लूडिंग एंजाइम्स, यानी कि बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो केमिकल कंपोजिशन बनाते हैं न्यूक्लियस की। अब हमारे पास न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलाई है, न्यूक्लियोप्लाज्म है और क्रोमोसोम्स है। बारी बारी इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक इन्वेलप होता है, यानी कि ये एक न्यूक्लियर इन्वेलप होता है विच इज़ कम्पोज ऑफ टू मेम्ब्रेन। इसने न्यूक्लियस को एक इन्वेलप के तौर पर ढांप के रखा होता है, ठीक है जी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्पोज ऑफ टू मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड कंटिन्यूज विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूज होती है, जबकि जो उसकी इनर मेम्ब्रेन होती है इट इनक्लोजेज न्यूक्लियर कॉन्टेंट, यानी कि जो अंदर न्यूक्लियर कॉन्टेंट होता है क्रोमेटिन मटीरियल होता है ये उसको इनक्लोज करती है। द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन आर कंटिन्यूज एट द सर्टन पॉइंट्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स, यानी कि जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स होती हैं वो सर्टेन पोर्स पे कंटिन्यूज करती हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर पोर्स बनते हैं। न्यूक्लियर पोर्स, अब न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं हमारे पास
बेसिकली उनका फंक्शन क्या होता है कि वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान मटेरियल के एक्सचेंज के लिए वर्क करते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्ड इज हाईली वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल होते हैं न्यूक्लियर पोर्ड्स के नंबर, हर सेल में जो है न्यूक्लियर पोर्ड्स वेरिएबल होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। उसके बाद इंडिफ्रेंशिएटेड सेल सच एज एग्स, इंडिफ्रेंशिएटेड अनडिफ्रेंशिएटेड सेल अ सेल विच डू नॉट हैव स्पेसिफिक टाइप बट प्रोड्यूस मैनी डॉटर सेल। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हम ऐसे सेल्स को कहते हैं कि जिनके पास कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं होती लेकिन वो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, सच एज एग्स हैव न्यूमेरस पोर्स अबाउट 30,000 पर न्यूक्लियस, यानी कि पर न्यूक्लियस में अबाउट 30,000 उनके पास जो है न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। Whereas differentiated cell such as erythrocytes have only 3 to 4 pores nucleus. Each cell has definite structure which control the traffic of substance passing through them. यानी कि हर सेल में हर जो न्यूक्लियर पोर होता है उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है जो है ट्रैफिक ऑफ सब्सटेंसेस जो उनके अंदर से गुजरते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज बेसिकली अ डार्क स्टेन बॉडी विद इन द न्यूक्लियस, यानी कि एक डार्क स्टेन बॉडी है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है विदाउट एनी मेम्ब्रेन बाउंड्री टू सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटीरियल, यानी कि ये किसी भी मेम्ब्रेन बाउंड्री के बगैर होती है इसको न्यूक्लियर मटीरियल से सेपरेट करने के लिए। देयर मे बी वन और मोर न्यूक्लियोलाई इन द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस में एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई हो सकते हैं। द राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज एंड स्टोर्ड इन द न्यूक्लियोलस, इट इज़ कम्पोज ऑफ टू रीजन, द पेरीफेरल ग्रेनुलर एरिया कम्पोज ऑफ प्रिकॉसर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, यानी कि दो रीजन होते हैं, एक पेरीफेरल ग्रेनुलर एरिया और दूसरा होता है सेंट्रल फाइब्रिल। जो पेरीफेरल ग्रेनुलर एरिया है वो कम्पोज होता है प्रिकॉसर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, जबकि जो सेंट्रल फाइब्रिल एरिया होता है वो लार्ज मॉलिक्यूल वेट आरएनए और राइबोसोमल डीएनए कंसिस्ट करता है। ठीक है जी, इट इज़ न्यूक्लियोलस वेयर राइबोसोम्स आर असेंबल्ड एंड आर एक्सपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म वियर न्यूक्लियर पोल्स, यानी कि न्यूक्लियोलस वो जगह है जहाँ पर राइबोसोम असेंबल होते हैं और जो है न्यूक्लियर पोर्स के जरिए से साइटोप्लाज्म को एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियोलस था। उसके बाद हमारे पास अगला जो है इस हवाले से न्यूक्लियस के बारे में क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम बेसिकली क्या होते हैं, क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन मटेरियल से ही बनते हैं। ठीक है जी, अब इसके शुरू में ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि न्यूक्लियस इज ऑफन डीपली स्टेन्ड विद द बेसिक डाइज बिकॉज ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो डीपली स्टेन्ड होता है विद बेसिक डाइज क्योंकि उसमें क्रोमेटिन मटीरियल होता है। During cell division, chromatin material is converted into dark stained thread-like structure known as chromosome. यहाँ पर मैंने क्रोमोसोम की डेफिनेशन को अंडरलाइन कर दिया विच इज़ इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पैराग्राफ, यानी कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटीरियल इज कन्वर्टेड इन टू डार्कली स्टेन्ड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम, यानी कि सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब क्रोमोसोम को अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखें तो क्रोमेटिन अपेयर टू बी मेड ऑफ आर्म्स एंड सेंट्रोमर्स। सेंट्रोमेयर इज अ प्लेस ऑन क्रोमेटिन वेयर स्पिंडल फाइबर आर अटैच ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, यानी कि सेंट्रोमर क्रोमोसोम के ऊपर एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर जो है स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं सेल डिवीजन के दौरान। Each chromosome consists of identical chromatid at the beginning of the cell division, which are held together to the chromosome. Chromatid is exactly replica of the chromosome. यानी कि क्रोमेटिड जो होता है वह exact replica होता है chromosome का। अब उसके बाद हम chromosome के structure को discuss करेंगे। Chromosome is composed of DNA and protein. Chromosome जो होता है वो DNA और protein से मिलकर बनता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि ऑल द इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ सेल इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ जीन विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन लाइफ को कंट्रोल करने के लिए सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए होती हैं वो क्रोमोसोम जो है जीन की सूरत में जो है सेव करते हैं और वो जीन टू जीन ट्रांसफ़र करती हैं। द
The number of chromosome all individual have species remain constant generation after generation. यानी कि जिस जनरेशन में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो उतने ही स्पेसिफिक रहते हैं, वो चेंज नहीं होते. इन ईच सेल कंटेन 46 क्रोमोसोम, यानी कि इन द ह्यूमन बॉडी वी कंटेन 46 क्रोमोसोम, वेयर एज फ्रॉग हैज 26, चिंपेंजे हैज 48 क्रोमोसोम. देर आर 8 क्रोमोसोम इन द फ्रूट फ्लाई. ड्रोफिला मेलोंगेस्टर हैज 16 क्रोमोसोम. ये इसको आप अंडरलाइन भी करेंगे जब आप लिखेंगे. जो पोटैटो होते हैं उसमें 48 क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि 14 इन द गार्डन पी. ये सारे एमसीक्यूज के लिए आपको पूछे जा सकते हैं. इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ नॉर्मल सेल बॉडी इज डिप्लॉइड, यानी कि 2n होते हैं. व्हेयर इज हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इज प्रेजेंट इन द जर्म सेल्स. For example, human sperm and egg have 23, while those of Drosophila have 4 chromosome. ठीक है जी, यानी कि बेसिकली इसमें वो हमें क्या बता रहे हैं कि क्रोमोसोम जो नॉर्मल बॉडी में होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं. डिप्लॉयड मतलब 2n होते हैं, जबकि जो हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं वो जर्म सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन स्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, और एग्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि ओड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको हैप्लॉइड क्रोमोसोम कहते हैं. अब यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड इट्स शेप दी गई है. जिस तरह हमने वहाँ पे पढ़ा कि आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह का ये सारा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है, आप देख सकते हैं. इसके अलावा हम न्यूक्लियस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर मैंने इसकी डायग्राम ही बनाई है. ये ज़्यादा जो है एक्सप्लेन्ड है, यानी कि इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, विच इज़ द आउटर मेम्ब्रेन. These are the nuclear pores, and it is the nucleolus, which is the dark spot, dark stain कह सकते हैं, जो nucleus के ऊपर होता है. यानी कि nucleus basically जो होता है वो brain of nucleolus होता है. यानी कि nucleolus जो है वो nucleus के बगैर कुछ भी नहीं है. nucleus की हमारी body में बहुत ज़्यादा अहमियत है. ये डायग्राम अगर आपको, ये वैसे तो ये लॉन्ग में बहुत कम आता है, आता ही नहीं है, लेकिन अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी. आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसके पॉइंट्स बुक में आपको गिवन हैं, आप बुक में बने हुए हैं, आप इसको लिख सकते हैं. इसके अलावा ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में और MCQs के लिए पूछा जा सकता है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.